हे गाइस, वेलकम टू दी गॉड रेसिपी, जो है आपका अपना रेसिपी चैनल। आज हम बना के तैयार करने वाले हैं मूली के पत्तों की सब्जी, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। साथ ही इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी हैं, लेकिन आजकल के लाइफ स्टाइल में लोग इसे थोड़ा कम बनाना पसंद करते हैं, क्योंकि इसे थोड़ा साफ़ करने में टाइम लग जाता है। लेकिन इसे बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, ये मुश्किल से 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। तो आप इस तरीके जरूर से हम ट्राई एक मिरर करना। ले लें और उस मिरर में अगर हम चीज़ को रब करें तो वो बिल्कुल ही गंदा हो जाएगा, लेकिन उसी मिरर पर जब हम हरी सब्जी को रब करते हैं तो उसे पूरी तरीके से वो क्लीन कर देती है, जिससे कि पता चलता है कि हमारी बॉडी को क्लीन करने में हरी सब्जी किस किस तरीके से अपना योगदान देती है। तो हमें इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए, अपने लाइफ स्टाइल में हमें हरी सब्जी को ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो चलिए झटपट सीखते हैं आज हम अपनी इस रेसिपी को। दोस्तों, सबसे पहले मूली के पत्तों को मूली से अलग कर लें और उनको अच्छे तरीके से पानी में धोएं, ताकि इनकी सारी मिट्टी निकल जाए। कम से कम 3 पानी आप इनको ज़रूर धोएं। उसके बाद हम इसको पतला पतला कट कर लेंगे। पतला कट करने से ये अच्छे से पक जाती है और खाने में टेस्टी लगती है। अब मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है, अगर हो सके तो सरसों का तेल लें। इसमें अब मैंने लाल मिर्च डाली है। हरी सब्जी के साथ हमेशा लाल भुनी हुई मिर्चें ही खाई जाती हैं, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो इन्हें अच्छे से पकने दें। जब ये अच्छे से ब्राउन हो जाएंगी तो इसमें ऐड करेंगे हम मेथी दाना। देखिए, मेथी दाना चटकने लगा है, तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं हरी सब्जी। लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले हम कम हरी सब्जी ही डालेंगे, जिससे कि हम इसे आसानी से पलट सकें। अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो हमें पलटने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और तब तक हमारा मेथी दाना और जो मिर्च है वो बिल्कुल जल जाएंगे, जो कि हमें नहीं करना है। तो हमें सबसे पहले इसको थोड़ी सी सब्जी डालकर पलट लेना है। जब अच्छे से पलट लें, उसके बाद हम बाकी की सब्जी को भी हम ऐड कर लेंगे। एक बात का ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम इस टाइम पे कम ही रहेगी। गैस की फ्लेम को हमने तेज़ नहीं रखना, क्योंकि ये कम फ्लेम में ही सब्जी पकाई जाती है। इसके बाद हम इसमें बाकी सब्जी को भी ऐड कर लेंगे और सारी सब्जी को धीरे धीरे इसमें डाल लेंगे। ये सब्जी अभी बहुत ज़्यादा लग रही है और शायद ऐसा भी लग रहा है कि इस बर्तन में नहीं आएगी, लेकिन पकने के बाद ये बहुत ही कम रह जाती है। तो उसके लिए कोई भी चिंता नहीं करनी कि सब्जी ज़्यादा हो गई है, ये आएगी या नहीं आएगी। इसको हम बस ढक्कन लगा लेंगे, इसमें कोई भी पानी हमें ऐड नहीं करना है। ये सब्जी लो फ्लेम पे ही पकाई जाती है, इस बात का ध्यान रखना है। और देखिए, अब सब्जी बिल्कुल इसकी आधी हो चुकी है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। मैंने इसमें आधे चम्मच के करीब नमक डाला है। इसमें सिर्फ नमक डाला जाता है, इसके अलावा कोई और मसाला इसमें नहीं पड़ता है, क्योंकि हम मिर्च पहले ही डाल चुके हैं और इसमें धनिया पाउडर या हल्दी नहीं डाली जाती है, ना ही कोई और मसाला इसमें डाला जाता है। ये सिंपल बना के तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप इसमें जो नमक डालें वो बहुत ही कम मात्रा में डालना है, जितना आप और सब्जियों में डालते हैं उससे कम से कम आधा। इसमें आपको नमक कम ही डालना है, क्योंकि ये सब्जी पककर बहुत कम हो जाती है। तो देखिए, ये पहले से बिल्कुल आधी हो चुकी है। अगर इसमें हम नमक ज़्यादा डाल देते तो इसमें नमक बहुत ज़्यादा हो जाता, इसलिए नमक जब डालें तो थोड़ा ध्यान से डालें। तो देखिए, बनकर तैयार है हमारी सब्जी। अब हम इसको निकाल लेते हैं और इसको एक प्लेट में या फिर एक बाउल में सर्व कर लेंगे। तो देखिए, बनकर तैयार है हमारी मूली के पत्तों की भजिया। मैंने इसे गार्निश किया है अपनी भुनी हुई मिर्च के साथ। इसका टेस्ट इस सब्जी को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करता है। अगर आप बनाएं तो लाल मिर्च को डालना स्किप ना करें, क्योंकि इसके बिना इस सब्जी में स्वाद नहीं आता। तो लीजिए, तैयार है हमारी गर्मा गर्म मूली के पत्तों की भजिया। इसे चावल के साथ ज़रूर ट्राई करें। चावल के साथ इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। इसके साथ किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। रोटी से ज़्यादा ये सब्जी चावल के साथ ही अच्छी लगती है। और अगर आप इसके टेस्ट को और इन्हेंस करना चाहते हैं तो इसको कढ़ी के साथ ट्राई करें। आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपना प्यार यूं ही देते रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।